हेलो फ्रेंड्स, स्वाद का खजाना में आपका स्वागत करते हैं। होली के त्यौहार की एक खास रेसिपी है कांजी के बड़े। इस रेसिपी को इसलिए बनाया जाता है कि त्यौहारों का जो भी तला भुना खाते हैं उसको आसानी से डाइजेस्ट कर देता है। तो आइए कांजी बड़े की रेसिपी देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से स्टील के भगोने में भी आपको मटके का स्वाद मिलेगा, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आइए रेसिपी देखते हैं। इस रेसिपी के लिए एक भगोने में मैंने 1 लीटर करीब पानी गुनगुना होने के लिए रख दिया है। पानी गुनगुना हो गया है, बहुत गर्म नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच पिसी हुई राई, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, मिक्स कर देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको बनने में ठंड के मौसम में हल्की जब ठंडक रहती 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन 2 दिन में कांजी के बड़े बन जाएंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मिक्स कर देंगे। अब इसको ढक देंगे। एक दिया लेंगे जो दिवाली में यूज करते हैं, दिया लेंगे, अच्छे से धो लेंगे, गैस पे रख देंगे। दिया जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच साबुत राई, हींग डालना लेकिन अभी नहीं डालेंगे, जब राई चटकने लगेगी तब डालेंगे। राई चटकने लगी है, उसमें हींग डाल दिया है। तड़का लगा देंगे और दियाली को उसी में छोड़ देंगे। दाल को भिगो देते हैं बड़े के लिए। ये धोई हुई उड़द की दाल है, इसको भिगो दिया है, इसको भी ढककर रख देंगे। एक रात भीगने के बाद इस दिए को निकाल लेंगे। इसी से आपको बहुत सोंधा सोंधा मटके का टेस्ट आएगा। 24 घंटे हो गए हैं इस पानी को बने हुए, अभी ये उठा नहीं है, इसका टेस्ट कांजी का नहीं आया है। दाल भी अच्छी तरह भीग गई है। इसको 2-3 पानी से धोकर पीस लेंगे मिक्सर जार में। कि मैंने दाल को धो लिया है, अब मिक्सर जार में पीस के ये पेस्ट बना लिया है, जैसे बड़े के लिए बनता है। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हाथ से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये दाल फिट गई है। कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छा गरम हो जाए तो हमारे यहाँ पहले हाथ से उंगली से जो छेद करके 5 बड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद गोल वाले बड़े बना लेंगे। 5 बड़े बन गए हैं, अब गोल वाले बड़े बना लेते हैं। बिल्कुल जैसे दही बड़े के लिए बड़े बनाते हैं, छोटा बड़ा किसी भी साइज में बड़े बना लेंगे। हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे अलट पलट कर। ये बड़े बन गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ही सभी बड़ों को बना लेंगे। ये बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन बड़ों को कांजी के पानी में डाल देंगे। आधे अभी डालेंगे, आधा सूखा रखे रहेंगे। ये उड़द के दाल के बड़े हैं, इनकी वजह से कांजी तैयार हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया। आधे बड़े मैंने रोक लिए हैं, अब एक रात और इनको ढककर रख देंगे। 2 रात के बाद ये बड़े, कांजी बड़े, अच्छी तरह तैयार हो गए सर्व करने के लिए। उड़द के दाल के बड़े की वजह से ये पानी बहुत जल्दी उठ जाता है। अब आइए सर्व करते हैं।
पहले बड़े को डाल देंगे। पानी को डाल देंगे, काफी टेस्टी पानी लगता है, ट्राई जरूर करिएगा। कौन कौन ऐसे कांजी बड़े बनाता है होली में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी कांजी बड़े बनाने की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी? रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। ये कांजी बड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। ऐसे इजी और टाइम सेविंग रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इजी और टाइम सेविंग रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।